फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह. मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग. तो ऑफ कोर्स अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो आप जानते हो कि मैं टैरो फैमिली से बिलोंग करती हूँ और टैरो पूर्णिमा फैमिली में आप एक मेंबर हो. एंड एट द सेम टाइम अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वेलकम फ्रॉम द साइड ऑफ ऑल आर सब्सक्राइबर्स. मेरी साइड से भी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर. तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, do like my videos and try to share it as much as possible so that और किसी की भी help हो जाए. okay, maybe आपके और मेरी वजह से किसी और की भी help हो जाए. तो आज जो मैं pick a card reading लेकर के आई हूँ उसका topic है क्या जिससे आप प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करते हैं या प्यार करते थे, या आपका जो पूरा प्यार था वो वन साइडेड था, बस आप ही प्यार करते थे उन्हें. बहुत टाइम पे जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है या जब हम रिलेशनशिप में थोड़े आगे बढ़ जाते हैं तो हम इस चीज़ को डाउट करने लगते हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में आई वॉज द ओनली पर्सन जिसे इस इंसान से प्यार था या ये भी इंसान मेरे को प्यार करता था. तो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड में आती है और ये रिलेशनशिप को किल करता है बहुत हद तक. ओके, तो आज मैं उसी क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करने वाली हूँ और मैं देखने वाली हूँ कि आपने जिनसे प्यार किया था क्या वहाँ सच में प्यार था या ये आपके मन का ऐसा सोच था. ओके, तो तीन पाइल्स रखे हैं यहाँ पे, ब्लू, पिंक एंड वाइट. ओके, ये रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा येलो दिख रहा है बट ये वाइट पाइल है हमारा. तो आपको इन तीन पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है. नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अपना टाइम स्टैम्प जाके देख सकते हो, डायरेक्टली अपने पाइल की रीडिंग सुन सकते हो. आपको मैं टाइम दूंगी अपना पाइल सिलेक्ट करने का. यहाँ पे अगर आप ज़्यादा टाइम चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, उसके पहले ये एक जनरल रीडिंग है. जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट करे भी ना भी कर सकती है. तो अगर नहीं करती है तो अपसेट नहीं होना, अगर करती है तो ऑफकोर्स गुड फॉर यू, गुड फॉर मी कि मैंने आपको हेल्प करने की कोशिश की एंड समहाउ यू आर एबल टू रिसीव दैट हेल्प. क्योंकि जनरल रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए बनी होती है इसलिए बहुत टाइम पर नहीं रेजोनेट करती है किसी से. तो इसकी वजह से टेंशन में नहीं जाना है, अपसेट नहीं होना है. ओके, एट द सेम टाइम स्क्रीन पर मेरे पर्सनल डिटेल्स दिए हुए हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो रीडिंग के लिए. अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो. तो अब मैं आपको टाइम देती हूँ सेलेक्ट करने का अपना पाइल, उसके बाद हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. तो आई होप कि आपने अपनी अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा. सबसे पहले मैं जिसकी रीडिंग करूँगी वो होगा ब्लू पाइल, उसके बाद मैं जिसकी रीडिंग करूँगी वो होगा पिंक पाइल, और सबसे लास्ट में जिसकी रीडिंग करूँगी वो होगा वाइट पाइल. ओके, तो क्या आप जिनके बारे में सोच रहे हो, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप के लिए भी ये रेजोनेट करे. ओके, मगर अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो वेरी नाइस. ओके, ये ब्लू पाइल था हमारा. ठीक है, तो देखते हैं ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है. कुछ कार्ड्स रिवर्स्ड हैं तो रिवर्स्ड कार्ड्स को मैं उसी तरीके से रीड करूंगी, सो यू डू नॉट नीड टू वरी कि ये उल्टे क्यों रखे हुए हैं. ओके, तो जहाँ तक बात है, जहाँ तक आपके रिलेशनशिप की बात है, तो मुझे जहाँ तक लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी भी आपके रिलेशनशिप में कुछ डाउट्स चीज़ें थी जो रह गई, जो आज भी क्लियर नहीं हुई हैं. ओके, कुछ ऐसे पहलू हैं आपके रिलेशनशिप के जो कहीं ना कहीं हिडन हैं, जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो बट एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो. मे बी आपके पार्टनर आपको इसे छुपाना चाहते हो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, या वो बताना ना चाहते हो, या वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो कि ये चीज़ उनके रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में ले जाएगा. तो ये सारा सिचुएशन मुझे पहली चीज़ नज़र आ रही है. आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें थीं जो कभी समक्ष आपको नज़र नहीं आई. ओके, एट दी सेम टाइम जो हमारा मैं कार्ड्स अपने अकॉर्डिंग रीड करती हूँ इसलिए मैं वन बाय वन एक्सप्लेन नहीं करती. जहाँ मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए कि हाँ इस कार्ड की वजह से ऐसा है, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करती हूँ. ओके,
एट द सेम टाइम मेरा टेक्निक थोड़ा अलग है, तो ये मेरा बेसिकली एक डिवाइन पावर है. तो आई एम रियली सॉरी कि मैं एक एक करके आपको नहीं एक्सप्लेन करती हूँ. आई रीड इट लाइक अ स्टोरी और आप उसे स्टोरी की तरह सुनने की कोशिश करें. ओके, तो रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे थे इस इंसान को, आपको बहुत उम्मीदें थी इस इंसान से. शायद आपने पहली बार किसी से इतना ज़्यादा प्यार किया था और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा थी उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में. ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशनुमा थी. आपको ऐसा लग रहा था कि अब मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो चुके हैं या पीछे छूट चुके हैं और मैं अपने ज़िंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. इवन जो रिलेशनशिप था उसमें आपने एक तरीके से कहिए तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी और प्रिकॉशन बहुत कम था. आपने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं कि हाँ मेरी फैमिली मानेगी या नहीं, या मेरे फ्रेंड्स मानेंगे या नहीं. आपका फोकस, आपकी खुशी उस इंसान को ही देखकर थी. ओके, और उस इंसान से भी आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में बहुत उम्मीदें थी जो आपको लगा था कि वो उम्मीदें पूरी होंगी. ओके, बट ये चीज़ जो स्टार्टिंग में हुई और जो एंड तक पहुँचते पहुँचते हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि आपने रिलेशनशिप को बहुत ओपन रखा है. ओके, बहुत ही ज़्यादा ओपन रखा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की जगह दी है. आपने चेंज करने की कोशिश की होगी, उनसे एक्सपेक्टेशन रखा होगा कि वो भी चेंज करे. मतलब लाइक वन ऑन वन एक दूसरे के अच्छे कंपेनियन मुझे आप नज़र आ रहे हो. बट जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ा, यू रियलाइज्ड कि जिस चीज़ पे मैंने रिलाई किया था, उस चीज़ पे मैंने जो उम्मीद लगाई थी, वो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण आपकी मुझे बुझती हुई नज़र आ रही है. ओके, बट आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इस रिलेशनशिप को लेकर के. ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो एंड बहुत उम्मीद में हो कि शायद चीज़ें हम लोगों के बीच में ठीक हो जाएंगी, या वो भी मुझे प्यार करते हैं या करती हैं. तो हाँ, एक चीज़ है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं या करती हैं, तो ये वन साइडेड तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है. हाँ, आपका रिलायंस उनके ऊपर उनके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा रिलाई करते हो उन पे इन कंपैरिजन टू हिम और हर. ठीक है, अब उनके साइड से एक तो उनको फैमिली प्रेशर हो सकता है, उनके फ्रेंड्स उनको भड़का सकते हैं आपके अगेंस्ट. तो इन चलिए फैमिली प्रेशर तो फैमिली इनकी मान जाएगी, इवेंचुअली ज़रूर ही मान जाएगी अगर ये अच्छे तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि चेंज इज़ डिफ़िकल्ट टू अडाप्ट. बट हाँ, मान ज़रूर जाएगी इनकी फैमिली, मे बी थोड़े समय में माने या ज़्यादा मेहनत से माने, बट ये मनाने में तो सक्सेसफुल होंगे. मगर अगर फ्रेंड्स इनके रिलेशनशिप को थोड़ा भी ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आप लोगों के लिए सिचुएशन हो सकता है. बट इवेंचुअली जो चीज़ें होंगी ना, वो आप रियलाइज़ करोगे कि ठीक होंगी, अच्छी होंगी. ओके, तो अगर बहुत टाइम से आप इस रिलेशनशिप को चला रहे हो और अभी एट प्रेजेंट आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, तो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि ये आपके ही साइड से है, उनके साइड से कुछ नहीं है. उनके साइड से भी है, बट आपके साइड से ज़्यादा है. और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो डाउट्स हैं, जो चीज़ें एक दूसरे से छुपाई जा रही हैं, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर ये चीज़ एक तो बोलूँगी कि ट्राई टू देखिए, आप फोर्स करके इस इंसान से उनकी बातें नहीं जान सकते हो. मुझे पता है कि कौन से कार्ड जाएंगे, तो फोर्स करके भी बंदा अपनी बातें निकाल सकता है. तो आप फोर्स नहीं कर सकते हो, आप टू द पॉइंट नहीं पूछ सकते हो कि क्या बातें हैं. मे भी थोड़ा इमोशनली इनसे कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिए, इनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी इनको मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं लोग. ओके, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी है थोड़ी उस टाइप की कि ये मिसअंडरस्टैंड हो जाते होंगे. ओके, तो इनको मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं लोग. तो आपको ये चीज़ से बचना है, आपको एटलीस्ट इनको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है और इनको उसी तरीके से समझना है जिस तरीके के ये हैं. ओके, कभी कभी ये थोड़े ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं, बट ये ओवरऑल आपके लिए अच्छे रहेंगे. जितनी चीज़ें, मतलब जिस तरीके की लाइफ आपने चाही है, समवेयर आप उसी टाइप की लाइफ में जाओगे. ओके, तो अगर आप लोगों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चल रही है या आपको कुछ लग रहा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा हार्श रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है. कुछ ऐसा रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है जो लॉन्ग टर्म में आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सके या कर दे. ओके, तो इस चीज़ से आपको टोटालिटी में बचना है. और हद से ज़्यादा जो आपको ऐसा लग रहा है कि उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या उधर से उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जिस तरीके का रिस्पॉन्स आना चाहिए,
तो अभी थोड़ा इमोशनल बैगेज उनके ऊपर मत डालिए और खुद भी इतने ज़्यादा इमोशनल होकर के सिचुएशन को मत डील कीजिए। मैच्योरिटी आपने है मगर वो मैच्योरिटी बैक सीट ले चुकी है इमोशंस के वजह से। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक चीज़ होती है जहाँ पे कि इमोशंस को कैसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए ये आपको सीखना पड़ेगा। एज टाइम पासेस जैसे जैसे समय बीतेगा मैं इन सारी चीज़ों पे भी आप लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करूंगी कि इमोशनली आपको अपने आप को कैसे हैंडल करना है। ओके बट अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, मे बी और थोड़े टाइम बाद या जब जब मुझे लगेगा कि हाँ देना चाहिए ओके या जब इतने डिमांड्स आएंगे तो मैं ज़रूर इसको लाने की कोशिश करूँगी। ओके तो अभी एज ऑफ नाउ अपने आप को इमोशनली थोड़ा स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए, मेच्योर हैं तो उस मेच्योरिटी को यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए और अपने सिचुएशन को हर टाइम हार्ट से सोचना सही नहीं होता है, कभी कभी हेड से भी सोचना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि हमारा जो रिलेशनशिप होता है हम कभी किसी के ऊपर बैगेज नहीं बनते, हम किसी के ऊपर कभी बोझ नहीं बनते। ओके तो अभी थोड़ा प्रेशर उनके पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई छल कपट नहीं नजर आ रहा है। पर्सनल नेचर इनका हो सकता है थोड़ा रूड हो, थोड़ा इगोइस्टिक हो, बट पर्सनल नेचर तो पर्सनल नेचर है, हर बंदे के अंदर खराब और अच्छी दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो बस कुछ खराब को लेकर के और किसी इंसान को खराब डिक्लेयर कर देना ये तो बहुत ही बुरी बात है। ओके तो ये सारी चीज़ें हैं एंड रिलेशनशिप में अभी थोड़ा क्लियर विजन रखने की कोशिश कीजिए, उस विजन को आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई है उसको हटाने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो हाँ अगर बहुत लंबा टाइम लग रहा है तो प्लीज़ पिस्ड ऑफ मत हों, प्लीज़ इरिटेट ना हो या हेस्ट ना करें, मतलब जल्दी जल्दी ना करें डिसीजंस को लेकर के। ओके तो दिस इज़ वॉट आई हैड टू टेल ब्लू पाइल पीपल। आपकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो ब्लू पाइल पीपल आपकी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग है वो ऑफ कोर्स है पिंक पाइल पीपल के लिए। तो ये देखिए पिंक पाइल आ चुका है, देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। कुछ कार्ड्स रिवर्स्ड भी आएंगी तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं, उनकी रीडिंग उसी तरीके से होगी। ओके ओके तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है तो मुझे ऐसा लगता है पाइल टू मतलब पिंक पाइल वाले लोग यहाँ पे जो इमोशनल सी आप लोगों के बीच में प्यार था बट उतना ज़्यादा प्यार नहीं था जितना होना चाहिए, बट हाँ था, इस चीज़ को हम लोग रूल आउट नहीं करेंगे। बट आपके भी रिलेशनशिप की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग जब भी अपने रिलेशनशिप को एक लेवल तक ले जाना चाहते हो ना तो उस लेवल पे जाने से पहले ही आपकी चीज़ें कभी कभी ख़राब हो जाती होंगी। तो इस केस में प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। सपोज़ आप उनसे शादी करना चाहते हो या इंगेजमेंट करना चाहते हो या आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, तो इन ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस आपको प्रॉपर एक प्लानिंग की ज़रूरत है जिससे आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ो। ओके तो स्ट्रक्चराइज्ड जैसे घर बनाते हैं तो पहले प्लान करते हैं ना कि ऐसे घर बनाना है वैसे बनाना है, ये रूम इधर करना उधर करना, ओके बहुत सारी चीज़ें इंकल्केट करते हैं। तो उसी तरीके से इस रिलेशनशिप को भी चलाने के लिए आपको पहले प्लानिंग चाहिए होगी। ओके अब प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई नेगेटिव प्लानिंग कि इसको कैसे धोखा देना या क्या क्या, कैसे अपनी चीज़ों को मैक्सिमम बेनिफिट में लाना, मैक्सिमम बेनिफिट इन द सेंस कि आपका रिलेशनशिप सही रहे, आपका रिलेशनशिप चलता रहे। आपको एक दूसरे को थोड़ा स्पेस भी देना होगा, कभी कभी आप लोगों के रिलेशनशिप में स्पेस की बहुत नीड होती है। और आइदर वेज अगर उनके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं और वो आपसे लड़ाई करते हैं या आपके दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं जिसके वजह से आप उनसे लड़ाई करते हो, तो हाँ इस चीज़ को आपको बहुत मैच्योरली हैंडल करना होगा। ओके स्पेस नहीं देने की वजह से भी मुझे लग रहा है कि प्यार में थोड़ा अनबन यहाँ पे हो रहा है। ओके क्योंकि आपका रिलेशनशिप ब्रीद करना चाहता है। ओके आप एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं हो जहाँ एक दूसरे से हर टाइम चिपके रहो। ओके तो हर रिलेशनशिप और हर लोगों की डिमांड्स अलग होती हैं,
जैसे हर बंदे का लाइफ अलग चलता है, उसी तरीके का हर रिलेशनशिप अलग चलता है। तो आपके रिलेशनशिप को अगर आप चाहते हो कि ग्रो करे, तो पहले तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि आपको आगे बढ़ना कैसे इस रिलेशनशिप में। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि चीज़ें एकदम सही चलें, तो ऑफकोर्स आपको स्पेस देना होगा और डोमिनेट नहीं करना है रिलेशनशिप को। ना आप डोमिनेट करो ना उन्हें डोमिनेट करने दो। ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, जहाँ पे कि अपने रिलेशनशिप को डोमिनेट ना आप होने दोगे ना करोगे। ओके, क्योंकि है आप लोगों में थोड़ी मेंटल एक दूसरे को कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको मेंटली थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हो। ओके, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल हो। ओके, तो कंट्रोल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट रिलेशनशिप को एक प्रॉपर ढंग से आप दोनों को चलाने की ज़रूरत ज़रूर है। ओके, और एक आप लोगों में ना मतलब इनर्जी तो है, आप लोग रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हो, मगर उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो। और दूसरा, मुझे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में इनडिसिजन दिख रहा है, इनडिसिसिवनेस दिख रहा है, मतलब प्रॉपर एक डिसीजन आप लोग नहीं ले पा रहे हो किस तरीके से लेना चाहिए। ओके, कहीं कहीं रिलेशनशिप में आप लोगों के ये हो जाता है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड हो जाता है और दूसरा बंदा इस चीज़ से इरिटेट होने लगता है। ओके, दूसरा इंसान सुन के भी अनसुना सा करने लगता है, और ये चीज़ फर्स्ट पार्टी को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। ओके, तो आप या वो जो भी इमोशनली हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं रिलेशनशिप में, उन्हें प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए कि एक्स्ट्रा जो है ना, ये एक्स्ट्रा एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, ये आप लोगों के रिलेशनशिप को हार्म करेगी। आपका रिलेशनशिप एक बहुत ही सॉर्टेड रिलेशनशिप है, जहाँ बहुत एनर्जी है, चीज़ें कंप्लीट होने के चांसेस हैं, शादी तक जाने के चांसेस हैं, लेकिन जहाँ इमोशनल डिपेंडेंसी एक दूसरे पे बढ़ेगी, वहाँ पे आइदर ऑफ द पार्टनर्स दे माइट लीव। ओके, क्योंकि उनको इमोशनल लव चाहिए, मगर ऐसा नहीं चाहिए कि हर टाइम चाहिए 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 चाहिए, मतलब हर टाइम आप उन्हें बता ही रहे हो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस केस में आई सजेस्ट यू कि कभी कभी दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहने से अच्छा है कि खुद पे डिपेंडेंट रहे। ओके, खुद की चीज़ें सही करने की कोशिश करें। कभी कभी इंसान को सेल्फ को सही करना पड़ता है रिलेशनशिप को सही करने के लिए, तो आपका जो सिचुएशन है वो थोड़ा मुझे चैनलाइज्ड वे में चलता हुआ नज़र आएगा। जहाँ तक बात है वन साइडेड लव होने की, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स वन साइडेड तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली ओवर डिमांडिंग है रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो रही है। तो अगर आप उन चीज़ों को रिपेयर कर लेते हो, तो ऑफ कोर्स आपका रिलेशनशिप चलेगा, रिलेशनशिप आपके आगे बढ़ने के चांसेस हैं। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर इस चीज़ को करेक्ट नहीं किया जाएगा, तो हो सकता है एक पार्टनर इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाए, और दूसरी बात की हो सकता है उनका अफेयर किसी और के साथ हो जाए, या उनकी शादी या प्यार या इमोशनल अटैचमेंट किसी और इंसान की तरफ चला जाए। तो इस टाइप के सिचुएशन में थोड़ा अपने रिलेशनशिप को लाइटली लीजिए, थोड़ा इन्जॉय कीजिए, हल्की बातें कीजिए, नॉर्मल बातें कीजिए, बहुत ज़्यादा अभी फोकस मत कीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि आप लोगों की चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएंगी। जब चीज़ें आप लोग प्लान करेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो पिंक पाइल वाले लोग, मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कम्प्लीट, तो अब देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये देखिए, हमारा व्हाइट पाइल आ चुका है। देखते हैं व्हाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है, क्या चीज है। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स अपसाइड डाउन हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये कार्ड्स अपसाइड डाउन क्यों हैं, गलत हैं, इन्हें सही रखना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी रीडिंग उसी तरीके से होती है, इसलिए मैं इन्हें ऐसा ही रहने देती हूँ। एंड ऑफकोर्स तो जहाँ तक वन साइडेड लव की बात है, तो ऑफ कोर्स वन साइडेड लव है, क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, आपको चीट किया गया है सिचुएशंस में, और आपको पता भी नहीं चला कि आप चीट हो रहे हो। बहुत आगे जाके पता चला, जब चीज़ें आपके हाथ से बहुत हद तक निकल गई थी, फिर भी आपने ट्राई किया कि हमारा रिलेशनशिप बना रहे, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, मगर ना वो आपसे बात करने को रेडी है, ना आपके साथ चीज़ों को शेयर करने के लिए रेडी है, ना ही अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने को रेडी है। ओके, वो बस चाहते हैं कि अभी वो शांति से रहें और आप उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आप
आपका उनसे अटैचमेंट होना या उनके तरफ भागना उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है उन्हें। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जा क्यों नहीं रहा, मतलब क्यों ही मेरे पीछे पड़ा है इस तरीके से। तो इट्स नॉट द राइट टाइम। ओके, पॉसिबल है कि जो लोग इसे सुन रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदों के साथ ही ऐसा हुआ होगा, बट पॉसिबल है कि आपकी आपका या तो सेपरेशन हो चुका है या आने वाले टाइम में आपका सेपरेशन हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो पार्टनर का अप्रोच है वो कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ओके, वो आपकी केयर नहीं करना चाहते, वो आपका आपके लिए कंसर्न नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं। वो अपने ही अलग दीन दुनिया में हैं, वो अपने ही अलग तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, दूर की चीज़ें सोच रहे हैं, और उन दूर की चीज़ों में मुझे आप कहीं नहीं नज़र आ रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो कि चीज़ें हम दोनों के बीच में सही हो जाए, और ये एफर्ट आपका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। सेपरेशन या तो हो चुका है या तो आने वाले टाइम में हो जाएगा। ओके, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो बी श्योर कि कभी कभी हद से ज़्यादा पेन उस रिलेशनशिप के लिए नहीं लेना चाहिए जो रिलेशनशिप हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ना दे, या फिर उस रिलेशनशिप के लिए नहीं लेना चाहिए जहाँ पे कि सेपरेशन होने के बहुत हाई चांसेस हैं। क्योंकि पहले तो आप एफर्ट ले रहे थे, तब तक आप खुश थे, ठीक थे, आप में एनर्जी थी, आप लेते रहे, अब आप में एनर्जी भी नहीं बची है। अब आप जो एफर्ट दे रहे हो ना, वो एफर्ट अपने आप को मार के दे रहे हो, मतलब अपने सेल्फ ईगो को, अपनी चीज़ों को साइड रख के दे रहे हो। तो कभी कभी आपको भी लगता होगा कि अगर जाना है तो फिर चले ही जाओ, मगर आप उस चीज से, उस साइकिल से निकल भी नहीं पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं, क्योंकि हैबिट हो गई है ना आपकी अभी, कि आप पहले मना रहे थे, अब उनके पीछे चल रहे हो, उन्हें मनाने की अभी भी कोशिश कर रहे हो। शायद आपको लगा मैंने ये खराब कर दिया, उसे सही करता हूँ, ये उसे सही करती हूँ। तो इतने सारे टाइम से जो आप करते आए हो, और बिहाइंड द बैक आप चीट होते आए हो, और ओवरऑल आपको क्लू ही नहीं था कि इंसान क्यों आपसे कनेक्टेड फील नहीं करता है, क्यों आपसे बातें नहीं करता है, क्यों आप पे फोकस नहीं रखता है। क्योंकि आप पे फोकस रखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि आपको ये उन चीज़ों के लिए भी ब्लेम कर रहे हैं जो इनहेरेंटली उनके अपने वजह से, आपका उसमें कुछ लेना देना नहीं है। मगर अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद है तो आप क्या करोगे, उसे ही ब्लेम करोगे ना। वो तो चाहते हैं कि आप उनसे बात ना करो, उनसे कॉन्टैक्ट ना रखो, उनके ज़िंदगी से थोड़ा दूर जाओ ताकि वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा एक्सपैंड कर सके। क्योंकि कुछ तो है जो वो दूर की चीज़ें सोच रहे हैं, किसी और पार्टनर के साथ हो सकता है, या कोई और अपने लाइफ में कोई और इम्प्रूवमेंट करने की सोच रहे होंगे। तो वो तो चाहते हैं आप उनसे दूर चले जाओ, और आप जब इनके पीछे पीछे भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने ईगो को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हो। ओके, वन साइडेड है आपका रिलेशनशिप, टोटली वन साइडेड है, और अभी से नहीं, बहुत टाइम से आपको चीट किया जा रहा था। सी, एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे। ओके, अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तभी आप इसको सुने, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप मेरी कोई और वीडियो जाके देखें, शायद वो आपसे रेजोनेट करे। ओके, या फिर आप थोड़े टाइम बाद आके इस वीडियो को देखें, तब शायद आपसे चीज़ें रेजोनेट करें। तो अभी एट प्रेजेंट आपको एक डिफरेंट पर्सन बनना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा। कब लास्ट टाइम था जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया था? एक रिलेशनशिप में भी अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अगला इंसान आपको हर्ट करता जाए और आप एफर्ट डालते जाओ और वो आपके बारे में नेगेटिव सोचता रहे। ये सारी चीज़ें सोच के देखो, सुन के देखो, कितना टॉक्सिक साउंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ में करनी है करेक्ट। ओके, अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना सीखें, अपने रिलेशनशिप में अपनी रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखें, और दूसरे इंसान को भी उतना ही रिस्पेक्ट दें जितना आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं। बट अभी अगर आप स्ट्रांग निकल करके नहीं आते हो तो ऑफकोर्स आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, अपने ऊपर ब्लेम्स लेने लगोगे कि मेरे वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ, मेरे वजह से इसमें कोई ग्रोथ नहीं आ पाया। बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये आपके साथ एक तरीके का, समझिए तो, गेम था, और ये गेम में वो सक्सेसफुल हैं। तो ओवरऑल अभी आपको टेक अ पॉज, एंड वन साइडेड रिलेशनशिप है तो अगर वो आपको प्रॉपर कमिटमेंट देने को आते हैं, जो वो नहीं आएंगे अभी तो, बट अगर आते हैं तो वहाँ पे आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना। क्योंकि चीटिंग अगर है, यहाँ पे है, तो चीटिंग रुकेगी नहीं। एंड चीटिंग डजंट ओनली मीन कि गर्लफ्रेंड के ही साथ हैं या बॉयफ्रेंड के ही साथ हैं, कभी कभी किसी से टॉकिंग टर्म्स में भी इंसान चला जाता है, जो फ्रेंड से बहुत ज़्यादा होता है और लवर से बस थोड़ा ही कम होता है, और वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट होता है और इस वाले रिलेशन में इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, वहाँ पे चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। तो ये एक काइंड ऑफ लव ही होता है, जो कि इंसान ऑफिशियली या तो कमिटमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं दिया रहता है या देने वाला होता है।
या फिर किसी और के कान भरने की वजह से भी वो आपको अननेसेसरीली इरिटेट और परेशान कर रहे हैं, तो ये सारा जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि चीट ही है। बिकॉज अगर कोई उनको आपके बारे में कुछ बता रहा है और उन्हें वो चीज़ कहीं आप पे डाउट हो भी रहा है, तो उन्हें आके ये चीज़ को क्लियर करना चाहिए, ना कि आपसे दूर भागना चाहिए, ना तो किसी और की तरफ फोकस करना चाहिए। रिलेशनशिप में अगर आप सीक्रेट्स रखते हो जो हेल्दी सीक्रेट्स नहीं हैं, ओके, जो आपको टेंशन से नहीं बचाती हैं, बस गेम खेलने के लिए सीक्रेट्स रखते हो, तो ट्रस्ट मी रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब होता है। तो वाइट पाइल पीपल, मैं आपके लिए थोड़ी अपसेट हूँ कि आपका रिलेशनशिप वन साइडेड है एंड आपकी रीडिंग भी हो गई है कंप्लीट। तो अगर आपको मेरी रीडिंग आती है पसंद, तो डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब ऑन इट, डू शेयर इट विद पीपल सो दैट उनके भी किसी काम में आ जाए, उनके भी किसी वो भी किसी को शेयर कर सकें, एंड डू कीप हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल। द नेक्स्ट वीडियो विल कम वेरी सून, सो आई होप दैट यू कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब, ओके, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माई चैनल, थैंक यू टू लिसनिंग टू माई एडवाइसेज एंड सजेशंस। बट बिफोर यू टेक एनी सीरियस डिसीजन ऑन योर इन योर लाइफ, आई डू सजेस्ट यू आइदर टू गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग फॉर अ पर्सनलाइज्ड एडवाइस और टू रेफर अ प्रोफेशनल इफ यू आर डीलिंग विद समथिंग दैट इज रियली सीरियस, ओके। So take care, bye-bye, and see you once again.